दिस इज मी पुनेश कुमार टेमरे एंड इन टुडे क्लास वी हैव टू गो फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा स्ट्रक्चर रिगार्डिंग द गेट एग्जामिनेशन। डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर में ऐसे कौन से कंटेंट्स हैं जिनको कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर गेट एग्जामिनेशन। तो एज फार एज डेटा स्ट्रक्चर कंटेंट्स इज कंसर्न, हमने पूरे के पूरे कंटेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। पहले कंटेंट जो रहेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग इन सी। सेकेंड कंटेंट जो रहेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपका अरेज, लिंक लिस्ट, ट्रैक्स, क्यूज, ट्रीज एंड हैशिंग, ये टॉपिक्स प्रिपेयर करना होगा। जबकि थर्ड वाले कंटेंट जो रहेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द एल्गोरिदम। अब रिलेटेड टू एल्गोरिदम में आपको एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम पे सवाल आते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पे आते हैं, ग्रीडी मेथड पे आते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग पे आते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ग्राफ्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस, इन टॉपिक्स पे आपको सवाल आते हैं। तो जितने भी कंटेंट्स आपको अभी इस स्लाइड में दिखाई दे रहे होंगे, इतने कंटेंट्स अगर आपने प्रिपेयर करके रखे तो देन डेफिनेटली यू विल गेट द 20% क्वेश्चंस। और 20% मार्क्स अगर आपको स्कोर करना है तो ये स्लाइड में दिए हुए सारे के सारे कंटेंट्स को आपको थोरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए सी लैंग्वेज में हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देयर फोर हियर वी हैव टू गो फॉर प्रोग्रामिंग इन सी। अब प्रोग्रामिंग इन सी की अगर हम बात करेंगे तो सी लैंग्वेज वैसे भी काफी फास्ट है, सी लैंग्वेज मिडल लेवल लैंग्वेज है। अब सी लैंग्वेज में आप प्रिपेयर क्या करेंगे, तो सी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिटेल सवाल आपको नहीं पूछे जाते हैं। अगर हम पिछले 30 ईयर्स के गेट क्वेश्चंस को अगर थोरोली स्टडी करेंगे तो फ्रॉम दैट एनालिसिस हमको पता चल रहा है कि प्रोग्रामिंग इन सी पे जो सवाल आपको पूछे जाते हैं वो जनरली रिलेटेड रहते टू द टॉपिक पॉइंटर्स एंड फंक्शन, देन पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शंस, देन रिकर्सन, स्कोप एंड बाइंडिंग ऑफ वेरिएबल, स्टोरेज क्लासेस। इतने टॉपिक्स अगर हम प्रिपेयर कर देते हैं तो डेफिनेटली आप सी लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल को जो कि गेट एग्जाम में आपको पूछा जाएगा उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ओनली सी लैंग्वेज में से आपको इतने ही टॉपिक्स थोरोली प्रिपेयर करने, आपको पॉइंटर का नॉलेज होना चाहिए, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, फिर बाद में पासिंग वैल्यूज। अब ये पासिंग वैल्यूज में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय नेम एंड कॉल बाय टाइटल, इस तरह के चार अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो ये चारों टेक्निक्स आपको पता होना जरूरी है। रिकर्सन को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है, एंड व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज और उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं, इस चीज के बारे में अगर डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो डेफिनेटली आप सी लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल जो कि गेट एग्जाम में पूछा जाता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा एम ये है कि आज के क्लास में हम सी लैंग्वेज में जनरली 3 मार्क के सवाल, 2 या 3 मार्क के सवाल हर बार पूछे जाते हैं, जो कि एक तो पॉइंटर से रिलेटेड रहेंगे या फिर रिकर्सन से रिलेटेड रहेंगे या फिर स्टोरेज क्लासेस एंड बाइंडिंग ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड रहेंगे। तो ये सवाल किस तरह के होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करना, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट्स वाई डायरेक्टली अभी मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हियर वी हैव टू गो फॉर द प्रॉब्लम 1 विच वॉज आस्क्ड इन गेट 2012 फॉर कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग सी कोड इंट ए बी सी इक्वल्स टू 0, देन हियर वी हैव वन फंक्शन डेफिनेशन दैट इज वॉइड, पी आर टी फंक्शन वॉइड, देन मेन स्टैटिक इंट ए इज इक्वल्स टू 1, देन देर इज अ फंक्शन कॉल, देन ए प्लस इक्वल्स टू 1, देन वंस अगेन देर इज अ फंक्शन कॉल एंड देन अवर मेन फंक्शन इज प्रिंटिंग 2 वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, उनका डेसिमल वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। देन पी आर टी फंक्शन का फंक्शन डेफिनेशन पूरी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैटिक इंट ए इज इक्वल्स टू 2, इंट बी इज इक्वल्स टू 1, ए प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, देन वी हैव टू प्रिंट 2 वैल्यूज, दैट इज वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी, एंड देन इट इज आस्क व्हाट विल बी द जनरेटेड आउटपुट बाय द गिवन प्रोग्राम कोड। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक प्रोग्राम कोड दिया हुआ है और फिर बोला गया है कि इस प्रोग्राम कोड को अगर हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, तो जानकारी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो फंक्शन कॉल कैसे परफॉर्म करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन कैसे होता है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये चीजें आपको पता होना काफी जरूरी है। सेकेंड, यहाँ पे वेरिएबल्स को हमने स्टैटिक तरीके से डिक्लेयर करके रखा है,
तो यहाँ पे स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में बात हो रही है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज। और अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते तो वह वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, उसका लाइफ टाइम क्या होता है, ये जानकारी हमें होना चाहिए। इतना नॉलेज अगर हमारे पास रहा तो डेफिनेटली वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो गेट एग्जाम में लगभग इसी तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं सी लैंग्वेज में। तो जैसे यहाँ पे मेन चीज है कि फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, और स्टोरेज क्लासेस और बाइंडिंग एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, और कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर आएगा ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि एक्सप्लेनेशन के लिए अगर जा रहे हैं, तो सबसे पहला लाइन है इंट ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो अभी बताइए इंट ए बी सी इज इक्वल टू जीरो किस तरह के वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल्स है या ग्लोबल वेरिएबल्स है? देख सकते हैं कि इंट ए बी सी जो है ये आपके ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल्स है, और ग्लोबल वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। तो व्हाट विल बी द लाइफ टाइम ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यस और नो? और डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा उसका, जीरो। वैसे भी हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे जीरो सेट करके रखा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई अभी अगर हम देखेंगे तो तीन हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स बन रहे हैं ए बी सी, और सबका डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगा दैट विल बी द जीरो। नेक्स्ट है हमारा एक फंक्शन, फंक्शन का प्रोटोटाइप हम यहाँ पे डिक्लेयर करके रखे हैं। देन नेक्स्ट वी हैव अ मेन प्रोग्राम, और मेन प्रोग्राम में का वेरी फर्स्ट लाइन है स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू वन। तो नाउ टेल मी इंट ए इज इक्वल टू वन इस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या रहेगा, इंट ए इज इक्वल टू वन। तो इंट ए इज इक्वल टू वन डिक्लेयर कहाँ पे किया है, मेन के भीतर। इसलिए जब तक मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहेगा दैट विल बी द लाइफ टाइम ऑफ दिस वेरिएबल ए। बाद में इसको स्टैटिक करके डिक्लेयर करके रखा है। तो स्टैटिक डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, तो स्टैटिक डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू इनिशियलाइज होगी बाय जीरो, और सेकंड जब कभी भी रीइनिशियलाइजेशन की बात आएगी इस पर्टिकुलर वेरिएबल की, तो रीइनिशियलाइजेशन हम करेंगे नहीं, दिस पर्टिकुलर रीइनिशियलाइजेशन विल गेट बाईपास्ड। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इंट ए इज इक्वल्स टू वन, एंड दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर लाइन को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो मेन प्रोग्राम के भीतर ही इसका लाइफ टाइम रहेगा, और इंट ए इज इक्वल्स टू वन इसका वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट वी हैव फंक्शन कॉल, पार्ट फंक्शन। तो पार्ट फंक्शन को अगर हम फंक्शन कॉल को अगर जनरेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट फंक्शन में जाएगा, और पार्ट फंक्शन में फिर से नया लाइन है स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू टू। तो अभी ये वाला वेरिएबल यहाँ पे जो हमने ये नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है, क्या ये वाला वेरिएबल और मेन प्रोग्राम में का वेरिएबल दोनों सेम रहेंगे क्या? आंसर यस और नो। एक को हमने मेन में डिक्लेयर करके रखा है और एक को हमने फंक्शन में डिक्लेयर करके रखा है, तो डेफिनेटली दोनों के दोनों वेरिएबल्स हमारे अलग है, एंड दैट्स व्हाई पार्ट फंक्शन के भीतर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है, और इसका इनिशियलाइज वैल्यू कितना रहेगा, टू। अब पूरा का पूरा पार्ट फंक्शन यानी पीआरटी फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है। देन हियर वी हैव नेक्स्ट वेरिएबल बी इज इक्वल टू वन, तो बी का लाइफ टाइम फिर से फंक्शन के भीतर ही रहेगा, पीआरटी फंक्शन के भीतर, एंड दैट्स व्हाई बी इज इक्वल टू वन इस तरह का वैल्यू रहेगा। देन ए प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, तो यहाँ पे देखिए प्री इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर भी यूज किया है, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें बी को एक से इंक्रीमेंट करना है, एंड दैट्स वाई बी की वैल्यू अभी एक से क्या हो जाएगी, टू। लेकिन ये बी का लाइफ टाइम क्या है, बी का लाइफ टाइम या बी का स्कोप जो है दैट इज व्हाट विद इन अ फंक्शन पीआरटी फंक्शन, एंड दैट्स वाई इस पर्टिकुलर बी को हमें एक से बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू अभी हमने कर दिया टू। अभी इस पर्टिकुलर वैल्यू को ए के वैल्यू में ऐड करके ए को अपडेट करना है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, अब जिस ये की हम बात कर रहे हैं वो वाला ये पीआरटी फंक्शन के भीतर का ही है, एंड दैट्स व्हाई ये की वैल्यू जो होगी दैट विल बी टू। तो ये टू और इस टू का दोनों का एडिशन हो जाएगा, एंड नाउ ये वाला वैल्यू अपडेट होके अभी आपका हो जाएगा फोर। तो आई थिंक अभी यहाँ पे आपको समझ गया होगा। देन नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर प्रिंट परसेंट डी ए एंड बी। तो ये यहाँ पे जो प्रिंट होने वाले ए और बी जो होंगे वो पीआरटी फंक्शन के भीतर के ही होंगे, एंड दैट्स वाई अभी ए इज इक्वल टू फोर प्रिंट होना चाहिए और बी इज इक्वल टू टू प्रिंट होना चाहिए, एंड दैट्स वाई अभी प्रिंट होने वाले वैल्यू जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, फोर एंड टू। तो दिस विल बी द फर्स्ट आउटपुट, यानी प्रिंट
F4 एंड 2, यानी पहले 4 और 2 ऐसा प्रिंट होगा, उसके बाद कंट्रोल हमारा जाएगा मेन फंक्शन के भीतर। तो अभी हमारा कंट्रोल आ गया मेन फंक्शन के भीतर। मेन फंक्शन के भीतर का नेक्स्ट लाइन है ए प्लस इक्वल्स टू 1, यानी अभी यहाँ पे जो ये की वैल्यू है उस ये के वैल्यू को एक से बढ़ा के फिर से ए में स्टोर करके रखना है। तो अभी जिस ए की हम बात कर रहे हैं वो वाला ये कौन सा होगा, वो वाला ये होगा मेन के भीतर का। क्यों? क्योंकि इस ए का स्कोप विद इन मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के भीतर का ये कौन सा है, दैट इज इक्वल्स टू 1, इसको हमें एक से अपडेट करना है। इसलिए इस ये को मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको अपडेट करना है एक से, तो एक से अपडेट करके ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन जो रहेगा दैट इज वंस अगेन फंक्शन कॉल पीआरटी फंक्शन। तो फिर से मेरा फंक्शन कॉल यहाँ पे आया, अभी हम पीआरटी फंक्शन में जाएंगे। पीआरटी फंक्शन में जाने के बाद फिर से स्टैटिक इंट ये इज इक्वल्स टू 2 ये वाला लाइन रहेगा। अब ध्यान दीजिए, जिसको हमने लाइन नंबर 2 करके लिख के रखा है। अब जब कभी भी किसी वेरिएबल को हम स्टैटिक करके डिक्लेयर करते हैं तो एट दैट टाइम उस पर्टिकुलर लाइन को बाईपास कर दिया जाता है। अगर यह नॉर्मल वेरिएबल होता तो इन दैट सिचुएशन इंट ये इज इक्वल्स टू 2 इसको हमें फिर से रीइनिशियलाइज करना पड़ता, जबकि अभी वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक है, और स्टैटिक होने से वजह से इस पर्टिकुलर लाइन को भी हम बाईपास कर देंगे और ये की जो पुरानी वाली वैल्यू होगी उसको हमें परसिस्ट करना पड़ेगा। तो ये की प्रीवियस वैल्यू कौन सी है पीआरटी फंक्शन के भीतर की, आप यहाँ देख सकते हैं, ये की प्रीवियस वैल्यू है 4, इस वैल्यू को ही हमें एज इट इज लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई योर वैल्यू वी हैव ए इज इक्वल टू 4। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। देन इंट बी इज इक्वल टू 1, अब ये वाला वेरिएबल तो स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, और जब हम इंट बी इज इक्वल टू 1 इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर से रीइनिशियलाइजेशन होगा, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव बी इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, ए प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, यानी बी को एक से बढ़ाओ तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। बाद में इस अपडेटेड वैल्यू ऑफ बी को ए के वैल्यू में ऐड करो, तो अभी यहाँ पे लाइफ टाइम कौन सा होगा, हम इसी ए की और इसी बी की बात कर रहे थे, इसलिए 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, एंड अपडेटेड वैल्यू आप ये में स्टोर करके रखोगे, दैट्स वाई 6। तो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ए प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस बी। एंड आफ्टर दैट देन वी हैव टू प्रिंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो अभी ए और बी को प्रिंट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना प्रिंट होना चाहिए, 6, और बी का वैल्यू कितना प्रिंट होना चाहिए, 2, एंड दैट्स वाई नेक्स्ट टाइम जब हम प्रिंट करेंगे तो दिस वैल्यू शुड बी 6 एंड 2। तो फर्स्ट टाइम जो प्रिंट हुआ वह वैल्यू था 4 2, और नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू प्रिंट हुआ वो था 6 2। तो इस हिसाब से हमारा नेक्स्ट प्रिंट जो रहेगा वो 6 2 रहेगा, और हमारा कंट्रोल आएगा मेन में। मेन में कंट्रोल आने के बाद नेक्स्ट वी हैव टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अभी यहाँ पे जिस ये की बात कर रहे हैं ये वाला ये कौन सा होगा, दिस पर्टिकुलर ये विल बी द वेरिएबल विच इज नोन टू फंक्शन मेन। अब मेन के भीतर कौन सा वाला ये है, ये वाला ये है, और ये पर्टिकुलर ये की वैल्यू कौन सी है, 2, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर ए इज करस्पॉन्डिंग टू 2। बट व्हाट अबाउट दिस बी, बी में तो हमने कोई मेन मेन फंक्शन में कोई भी बी हमने डिक्लेयर करके नहीं रखा है, तो फिर ये बी का वैल्यू कौन सा होगा, तो ये बी का वैल्यू होगा जो कि हमने ग्लोबली डिक्लेयर करके रखा है, और ग्लोबली डिक्लेयर वैल्यू कौन सी है, 0, एंड दैट्स व्हाई अभी हम प्रिंट करेंगे तो एट दैट टाइम दिस बी विल करस्पॉन्ड टू ग्लोबल वेरिएबल बी, दैट्स व्हाई 0। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। तो यहाँ पे इस ये ने इस पर्टिकुलर ये को रेफर किया, इसलिए हमने 2 को प्रिंट किया, जबकि बी ने आउटसाइड मेन वाले ग्लोबल वेरिएबल बी को रेफर किया, एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रिंटिंग हियर 0। तो पहले 4 2 प्रिंट होगा, बाद में 6 2 प्रिंट होगा, और बाद में 2 0 प्रिंट होगा। और इस हिसाब से अगर हम प्रॉब्लम 1 का आंसर अगर आप देखोगे तो आपका आंसर रहेगा सी। तो 4 2 6 2 एंड 2 0 विल बी द आंसर।